हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले फोटोशॉप के अंदर टेक्स्ट मेल्टिंग इफेक्ट। तो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते अपनी वीडियो को, बढ़ते फोटोशॉप की तरफ। फोटोशॉप में आने के बाद में हम सबसे पहला काम करते हैं कि एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है, जिसका साइज यहाँ पे मैंने लिया है 1920 पिक्सेल्स बाय 1080 पिक्सेल्स। रिजोल्यूशन मैंने रखा हुआ यहाँ पे 700 पिक्सेल्स और क्रिएट करता हूँ एक न्यू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद में सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे एक सॉलिड लेयर जो कि है ब्लैक कलर का। आपको भी सेम मेथड करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ यार, 80% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए ऐसे ही वीडियोज मैं लेकर आने वाला हूँ आगे भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देन हमें ब्लैक कलर का लेयर क्रिएट करने के बाद में सबसे पहले तो यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। देन मैं इसका कलर कर लेता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट करके व्हाइट में कन्वर्ट, और इसका मैं साइज एडजस्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट का फाइनल साइज एडजस्ट होने के बाद में आपको टेक्स्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है कंट्रोल या कमांड जे प्रेस करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना ली है डुप्लीकेट कॉपी। देन आपको सिंपली कंट्रोल टी प्रेस के इसको ट्रांसफार्म के अंदर जाना है और इसको ड्रैग करके नीचे से खींचना है, ताकि हमें एक डिस्टॉर्शन वाला इफेक्ट जो यहाँ पे क्रिएट कर सके। इस वाली लेयर को क्रिएट करने के बाद में हमें सिंपली यहाँ पे एक टेक्सचर अप्लाई करना है जो कि मैंने ले लिया है ऑलरेडी। आपको सभी फाइल्स के लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। फिर हमको इसको करना है क्लिपिंग मास्क। यहाँ पे ऑल्ट प्रेस कर सकते हैं आप, या तो फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन है क्लिपिंग मास्क का, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा नीचे वाले लेयर के ऊपर। और सिंपली आपको यहाँ पे एक ग्रेडियंट मैप को अप्लाई कर देना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये ग्रेडियंट मैप आप बना सकते हैं मैनुअली हर एक कलर को सिलेक्ट करके। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे जाना है आपको और सिंपली यहाँ से कलर को पिक करना है। देन ओके पे हिट करना है और इस वाले लेयर को बंद कर देना है। सिंपली यहाँ पे पूरे इसके ऊपर ये अप्लाई हो चुका है, हमें बस नीचे वाले लेयर के ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिर से इसे क्लिपिंग मास्क में कन्वर्ट कर दूंगा। देन आप देख सकते हैं कि ये वाला लेयर जो है क्लिपिंग मास्क के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। देन हमें सिंपली इस तीनों को भी सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करना है हमें, तो ग्रुप करने के बाद में हमको इसकी एक और एक कॉपी बना के रखनी है बैकअप के लिए। तो फर्स्ट वाली जो ग्रुप है हम उसको बैकअप का नाम दे देते हैं, ताकि हम अगर कोई चीज़ भूल जाए आगे करते समय तो ये वाला लेयर हमारा बैकअप काम करेगा। इसको मैं हाइड कर देता हूँ और फर्स्ट वाले जो लेयर है उसको मैं क्रिएट कर देता हूँ मर्ज के अंदर। ये मर्ज होने के बाद में आप इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ से एक स्मज टूल सिलेक्ट किया है, और ध्यान रखना कि आपकी जो स्ट्रेंथ होगी उसको आप रखना 50% के ऊपर या 50% से थोड़ा सा नीचे। ये बाय डिफ़ॉल्ट 100% के ऊपर होगा, आपको ध्यान रखना है कि ये 50% पे हो गए। और सिंपली आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके या फिर नॉर्मली आपको इसको स्मज कर देना है। इस तरह से आप अगर स्मज करोगे तो ये वाला इफेक्ट यहाँ पे तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप अपना टाइम लेके कर सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है हमको। थोड़ा सा मैं इसको साइड एडजस्टमेंट कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा सब बाहर खींच लूँगा, ताकि ये दिखाई दे नेचुरली कि ये मेल्ट हो रहा है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट इफेक्ट है, तो आप जिस तरह से चाहो उस तरह से कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको दिखाना कैसे चाहते हैं। और टॉप साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैक कलर की थोड़ी सी गैप गिरी हुई है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा सेट कर दूंगा। इसको ऊपर साइड में स्मच कर लूंगा और इसको बराबर लेवल कर लूंगा यहाँ पे। ये काम हो जाने के बाद में आपको सिंपली मेन वाला जो हमारा लेयर है जिसके ऊपर हमने एवेंजर्स लिखा हुआ है उसको हमें टॉप के ऊपर लेकर आना है। तो बाद में हाँ, ये इफेक्ट इस तरह से दिखेगा। तो सिंपली मैं यहाँ से थोड़ा सा और सेटअप कर लेता हूँ स्मज टूल को अप्लाई करके। तो ये काम होने के बाद में आपको सिंपली इस वाले लेयर की और एक कॉपी बॉटम साइड में बना लेनी है, मतलब कि नीचे क्लिक करके मैंने ड्रैग करके नीचे लेके आया। आप कंट्रोल और कमांड जे प्रेस कर सकते हैं ताकि इसका एक डुप्लीकेट कॉपी आप बना सको। देन मैं इसकी ओपेसिटी सेट करूंगा यहाँ पे 50% के ऊपर, और मैं फिर से इसके ऊपर स्मज करूंगा। थोड़ा सा मैं साइज यहाँ पे बढ़ा देता हूँ और इस बार मैं थोड़ा सा एक बाहर से स्मज करूंगा, ताकि हमें थोड़े से और कलर वेरिएशन मिल जाए और ये दिखने में थोड़ा सा और कूल लगे।
अपने कभी देखा होगा कि पेट्रोल वगैरह कभी पानी के अंदर बह जाता है, या पेट्रोल या किसी कोई तरह का ऑयल अगर पानी के अंदर बह जाता है तो अक्सर ये बारिश के अंदर दिखाई देता है। इस तरह का इफेक्ट हम बना रहे हैं अभी। तो ये आप बेसिकली म्यूज़िक चैनल्स के लिए या म्यूज़िक रिलेटेड कोई है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आपको बैनर बनाना है या पोस्टर बनाना है, क्रिएट करना है किसी तरह का, तो उसके लिए आप ये वाला इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी कूल लगता है जब आप इसको यूज़ करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप मुझे प्लीज़ टैग कर देना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और मुझे प्लीज़ टैग करना ना भूलें। और प्लीज़ अगर मेरे ट्यूटोरियल्स आपको पसंद आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। इतना काम होने के बाद में आपको सिंपली टॉप वाले लेयर के ऊपर जाना है, देन यहाँ पे क्रिएट करने हैं थोड़े से लेवल्स ताकि ये दिखने में और भी ब्राइट लगे। तो इस तरह से आप लेवल्स को क्रिएट करके इसकी सेचुरेशन बढ़ा सकते हैं, इसको थोड़ा सा और ब्राइट कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे थोड़ा सा ग्लो। और सिंपली मैंने यहाँ पे ब्रश टूल पिक किया, इसका साइज़ मैं यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, और मैं यहाँ पे न्यू लेयर को क्रिएट कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मल ब्रश ले लेना है, इसका साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इतना साइज़ रखा है, देन आपको सिंपली यहाँ पे ऑल्ट पिक क्लिक करके क्लिक करना है किसी भी कलर के ऊपर, और सिंपली आपको ब्रश कर देना है। और चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्टली कलर भी पिक कर सकते हो, जो कलर आपको पसंद आ रहा है वो कलर को आप पिक कर लीजिए और सिंपली यहाँ पे ड्रैग कीजिए। मैं यहाँ पे सिंपली नॉर्मली यहाँ से कलर पिक कर रहा हूँ और इसको ड्रैग कर रहा हूँ इस तरह से। तो ये क्रिएट करने के बाद में इस तरह से दिखेगा। आपको सिंपली जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर, देना आपको कन्वर्ट कर देना है इसको सॉफ्ट लाइट के अंदर। ये अभी आपको कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको सिंपली क्या करना है, एक टेक्सचर अप्लाई कर देना है इसके बैकग्राउंड के अंदर, जो कि हमने प्रीवियसली यहाँ पे अप्लाई कर दिया था हमारे टेक्स्ट के ऊपर। तो हमें सिंपली उसी टेक्सचर को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, देन मैं अप्लाई कर दूंगा, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और मैं सिंपली इसको अप्लाई कर दूंगा बैकग्राउंड लेयर के ऊपर, और मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूंगा, अराउंड मैं यहाँ पे 20-21 पिक्सल्स कर दूंगा यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि ये जो हमने ग्लो क्रिएट किया हुआ था वो यहाँ पे किस तरह से लग रहा है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये ग्लो का हमें काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा फायदा हो रहा है, और आप सिंपली इस वाले ग्लो को थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ से आपको सिंपली कलर पिक करना है और इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर टैप कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला इफेक्ट काफ़ी कूल लग रहा है। अब हमें और भी नेचुरल बनाने के लिए सिंपली एवेंजर्स वाले लेयर के ऊपर क्लिक करना है, स्मज टूल लेना है और सिंपली यहाँ पे एक क्लिक कर देना है ताकि ये वाला लेयर जो है ये रास्टराइज हो जाए। सिंपली आपको थोड़ा सा साइड एडजस्ट कर लेना है, और यहाँ पे जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको इनको थोड़ा सा स्मज कर देना है ताकि ये और भी अच्छी तरह से कलर के साथ में ब्लेंड हो जाए। इस तरह से आप थोड़ा सा स्मज कर देना यहाँ पे ताकि ये दिखने में और भी कूल लगे। तो गाइस, जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्मज किया है टेक्स्ट को, तो ये काफी कूल लग रहा है। इस तरह से आप थोड़ा सा और ब्लेंड करके इसको अच्छा लुक आप दे सकते हो। और सिंपली हमको टेक्स्ट के टॉप साइड में भी ये वाला इफेक्ट हमको ड्रॉ करना है, तो सिंपली यहाँ से मैं थोड़ा सा मास्क क्रिएट कर देता हूँ और ब्रश ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ब्रश लेने के बाद में यहाँ पे ड्राई मीडिया ब्रशेस के अंदर आपको एक ब्रश मिल जाएगा, आप थोड़ा सा एक डिस्टॉर्टेड ब्रश यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपली मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर दूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक जब करूँगा तो ये इस तरह का इफेक्ट थोड़ा सा दिख जाएगा हमें। तो इसके ऊपर भी काफी हल्का हाथ रखना है आपको। जहां पे आपको ज्यादा लग रहा है तो आप सिंपली यहां से व्हाइट कलर को पिक करके इसको रिवर्स भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये थोड़ा सा ए के ऊपर मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा वापस रिवर्स कर दिया इसको। जो मास्क होता है
उसका यही फायदा होता है कि आप वापस से इसको रिवर्स रिटर्न कर सकते हो जैसे आपका प्रीवियस था। तो ये इफेक्ट आपको किस तरह से दिख रहा है, सिंपली हमें इसको बैकग्राउंड के ऊपर और एक टेक्सचर अप्लाई कर देंगे। इस वाले का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को। सिंपली मैं इसको बैकग्राउंड के ऊपर ले जाऊंगा और इसकी भी मैं ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूंगा। ओपेसिटी कम करने के बाद में मैं इसके ऊपर सिंपली डबल क्लिक करूंगा और जाऊंगा इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर, और ब्लेंड इफ को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ पे, ताकि ये पीछे वाले लेयर के साथ में और भी ब्लेंड हो जाए। तो दैट्स इट गाइज, ये वाला इफेक्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज बताना, और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ में, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली अपडेट्स और वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते जाए। अगर किसी वीडियो की रिक्वेस्ट है आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।